हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। टॉपिक है अपना बिल ऑफ एक्सचेंज। लास्ट में फिफ्थ प्रॉब्लम लिया था अनसॉल्व टेक्सचुअल प्रॉब्लम, अभी हम प्रॉब्लम लेंगे सिक्स्थ पर। चलो कॉन्सेंट्रेट करो, रीड करेंगे पहले। प्रॉब्लम नंबर सिक्स, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। गीता डिस्काउंट बिल फॉर ₹17,400 बिफोर द ड्यू डेट। संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे ₹6,000 इमीजिएटली एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 months अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ₹550। द अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 35 paise इन a rupee could be recovered from her estate। पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, संगीता के बुक्स में एंट्रीज दे दो एंड प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। तो ये बाद में करेंगे, सो पहले फोकस ऑन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। तो संगीता की बुक्स में एंट्रीज देनी है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है जर्नल ऑफ संगीता। जो ड्रॉवर है या ड्रॉगी है मैंने तो पहचाना है, आपको भी आइडेंटिफाई करना होगा। सो संगीता ने एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करने वाला पर्सन होता है ड्रॉवी, इसीलिए संगीता ड्रॉवी है। तो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री समय देनी है, तो आपको पहले रिवाइज करनी होगी ड्रॉवीज की एंट्री, ड्रॉवीज के बुक में कैसे एंट्री दी जाती है। ओके, सो लेट्स गो फॉर ईच। स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांजेक्शन से। संगीता एक्सेप्ट अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता। गीता ने बिल ड्रॉ किया था और वो एक्सेप्ट किया संगीता ने। अभी ड्रॉवी के लिए बिल का स्पेशल नेम होता है बिल्स पेएबल। क्या होगा बिल का स्पेशल नेम ड्रॉवी के लिए? बिल्स पेएबल। ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री देनी है और सबसे पहले बिल एक्सेप्टेंस के एंट्री देने हैं। बिल एक्सेप्ट करेंगे इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉवी बिल साइन करता है और वो बिल सेंड करता है ड्रॉवर की तरफ। एक्सेप्ट यानी साइन होता है और साइन करके बिल रिटर्न किया जाता है ड्रॉवर को, यानी बिल अपने पास से जाएगा। जो बिल पेएबल स्पेशल नेम आएगा एक्सेप्ट करते वक्त, बिल ड्रॉवी के पास से जाएगा। नाउ ये बुक्स में हम ड्रॉवी है, हमें साइन करना है और हमें बिल भेजना है। सो साइन किया हुआ बिल ड्रॉवर के पास जाएगा, इसका मतलब हम बिल सेंड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे हाथ से बिल गया। जब बिल आता है तो बिल डेबिट बोलना चाहिए, बिल जाता है तो क्या बोलना चाहिए? क्रेडिट। सो बिल्स पेएबल क्रेडिट। और जो ड्रॉवर बिल रिसीव करने वाला है वो रिसीवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। और यहाँ पे ड्रॉवर है गीता। सो पहली एंट्री बनेगी यहाँ पे, डेट नहीं है, डेट्स दी नहीं है, तो नंबर्स लेंगे हम यहाँ पे। गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, अमाउंट ऑफ द बिल 18,000 यहां पे लिखेंगे, बीइंग अवर एक्सेप्टेंस फॉर ₹18,000 एट 3 months। 3 months के लिए एक्सेप्टेंस दिया है, ठीक है। ओके, तो वी गिव एक्सेप्टेंस ऑफ बिल और विज 18,000 फॉर 3 months। नरेशन भी दे दिया, सो बिल एक्सेप्ट वाला एंट्री यहां पे आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट, गीता डिस्काउंट बिल फॉर ₹17,400। पहले मैंने एक नोट बताई थी, आपने वो नोट की या नहीं मुझे पता नहीं, बट आपके लिए मैंने बुलाया था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के बुक्स में डिस्काउंट एंडोर्समेंट एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये 3 एंट्री आती ही नहीं ड्रॉवी के बुक्स में। तो डिस्काउंट को भेजा है ड्रॉवर ने, बट ये एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में नहीं आएगी। तो ड्रॉवी के बुक्स में डायरेक्टली नेक्स्ट वाली एंट्री आएगी, संगीता अप्रोच गीता, मतलब संगीता मतलब अस, हमने अप्रोच किया गीता को। क्यों अप्रोच किया? रिन्यूअल ऑफ द बिल, बिल रिन्यू करने के लिए। बिल रिन्यू तभी होगा जब पहले का बिल कैंसिल होगा, उसके बाद बिल नया बनेगा। तो पहला बिल कैंसिल करो, उसके बाद नया बिल बनाने की सोचो।
तो ये बिल कैंसिल होगा और कैंसिल को हम बोलते हैं डिसऑनर। बट ड्रॉवी के बुक्स में सिंपल एंट्री बनता है, जो बिल बनने का एंट्री है ना एक्सेप्ट का, उसके अपोजिट डिसऑनर का एंट्री बनता है। तो आपके लिए अज्यूम करना सिंपल होगा, जो बिल बनने का एंट्री वही डिसऑनर का एंट्री, सो कैंसिलेशन का एंट्री, सॉरी वही नहीं अपोजिट करना है, बिल्स पेएबल यहां से लेना है, अपोजिट करना है, जो एंट्री यहां पे है वहां से हम लेंगे, वही एंट्री नहीं लेंगे, वहां से लेंगे, अपोजिट करेंगे। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, कितनी अमाउंट है बिल की 18,000। तो क्या बोलेंगे हम यहां पे, बीइंग अवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। ओके, तो डिसऑनर हो गया, फाइन। आगे देखते हैं, रिन्यूअल की रिक्वेस्ट है तो आगे क्या प्रोविजंस लिए, कंडीशंस क्या एक्सेप्ट हुए देखते हैं। गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे ₹6,000 इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 550। तो पार्ट पेमेंट का पहले ट्रांजेक्शन बताया गया कि हमें एक कंडीशन दिया गया कि आप पहले इमीडिएटली कितना पे करो, 6,000 पे करो, इट इज अ पार्ट पेमेंट, तो हमें 6,000 पहले पार्ट में देना पड़ेगा, ये नई कंडीशन है। तो पहले पार्ट पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब हमारे हाथ से पैसा जाएगा, कैश गोज आउट, कैश आता है तो डेबिट, कैश आता है तो क्रेडिट। सो हमें कैश देना पड़ेगा, किसे, ड्रॉवर को, गीता, गीता रिसीव करेगी ना, सो एंट्री आएगी गीता अकाउंट डेबिट टू, क्या देंगे हम, कैश, कैश और बैंक से कैसे भी जा सकता है, टोटल अमाउंट 6,000 इमीडिएटली पेड हो रहा है, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। ओके, पार्ट पेमेंट होने के बाद आगे क्या बोला है देखो, कॉन्सेंट्रेट एंड फॉर द बैलेंस, बैलेंस जो कुछ अमाउंट बचेगी उसके लिए एक्सेप्ट किया जाएगा न्यू बिल 4 months के लिए, बट उसके साथ ₹550 का इंटरेस्ट भी होगा। तो पहले इंटरेस्ट वाली एंट्री देनी पड़ेगी, पहले इंटरेस्ट वाली एंट्री देनी पड़ेगी, यस। तो इंटरेस्ट हमें देना है, हम ड्रॉवी है, हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो हमारे लिए खर्चा है इंटरेस्ट, और खर्चा अगर होगा एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस डेबिट बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी देगा, यानी किसे देगा, ड्रॉवर को, जिसका नाम है गीता। ओके, कितना देना है इंटरेस्ट, 550, तो इंटरेस्ट चार्ज वाली एंट्री यहां पे दे दी, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अभी नया बिल एक्सेप्ट होगा, नया बिल एक्सेप्ट होगा, न्यू बिल एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो बैलेंस अमाउंट एंड इंटरेस्ट भी दोनों के साथ नया बिल बनेगा। बिल कौन सा भी कैसे भी बनने दो, जो पहले एक्सेप्ट हुआ वही बाद में भी एक्सेप्ट होगा। सो गीता टू बिल्स पेएबल पहले एक्सेप्टेंस की एंट्री थी, यहां पे भी सिमिलर एंट्री आएगी, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट लेनी है, बैलेंस अमाउंट 18,000 में से 6,000 पे ऑलरेडी हो चुका है, 12,000 बचा है, और ये 550, दोनों अमाउंट एड करके यहां पे लिखेंगे 12,550, और यहां पे लिखेंगे बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, नया बिल एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। आफ्टर दैट आगे देखते हैं क्या हो गया, द अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू, अरेंजमेंट ऐसे ही चलते रहे, बट ऑन द ड्यू डेट को क्या हुआ, न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट, संगीता इंसॉल्वेंट बन चुकी है, मतलब संगीता यानी ड्रॉवी जिसके बुक्स में एंट्री लिखना है वो इंसॉल्वेंट चुकी, मतलब हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इंसॉल्वेंट हो गए तो दो एंट्रीज आती है, पहले तो कैंसलेशन बिल का और फिर रिकवरी का। तो पहले बिल कैंसिल करो, इंस्टॉलमेंट हो गया तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा, और बिल कैंसिल का एंट्री मैंने बताया जो एक्सेप्ट वाला एंट्री उसको ही रिवर्स करना है। यहाँ पे भी कैंसिलेशन का एंट्री ऐसे आया, इसका रिवर्स एंट्री कैंसिल डिसऑनर, इसका रिवर्स एंट्री कैंसिल डिसऑनर, इसका मतलब बिल एक्सेप्टेड का एंट्री का रिवर्स करेंगे तो डिसऑनर बनेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
टू गीता अकाउंट, कितनी 12 by 50 being new will these on our cancers. ओके एंड अभी लास्ट एंट्री देनी है, देखते हैं इंस्टॉलमेंट में आती है दो एंट्रीज, एक बिल कैंसल की और एक रिकवरी वाली, तो चलो देखते हैं 35 paisa इन रूपी कुड बी रिकवर्ड। अगर ऐसा आपको दिया 35 paisa इन रूपी तो डायरेक्टली आप परसेंटेज में बोलोगे 35 paisa इन रूपी मतलब 35%, तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है चलो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि पैसा कैसे रिकवर हुआ, मतलब 35 paisa जो है एक रुपए के कंपैरिजन में 35 paisa हम दे रहे हैं, यानी कैश दे रहे हैं थोड़ा और बाकी का पैसा नहीं दे रहे। तो ठीक है कैश दे रहे हैं ना, थोड़ा जा रहा है ना कैश हमारे हाथ से, तो कैश जा रहा है तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। किसे दे रहे हैं कैश हम? ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर इज द रिसीवर, तो रिकवरी वाली एंट्री जो है हमें पैसा देना है, गीता अकाउंट डेबिट बनेगी। ओके हमारे हाथ से जाएगा कैश, थोड़ा ही कैश जाएगा और बाकी होगा डेप्रिसिएशन। ओके तो गीता अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट ये एंट्री बनेगी। ठीक है अमाउंट देखेंगे, अमाउंट 35 paisa ओनली पे कर रहे हैं हम। गीता को कितना देना था? 12 by 50 देना था बराबर, तो उसका 35% देखते हैं कितना होगा, मतलब 35/100.35 करेंगे, एक पॉइंट देंगे यहाँ पे क्योंकि पॉइंट था 4392 यानी 4393 राउंड अप करने के बाद इतना पैसा कैश जा रहा है 4393, बचा हुआ जो है डेफिशिएंसी में जाएगा, डेफिशिएंसी यानी वो पैसा हम देने में कैपेबल नहीं है तो डेफिशिएंसी हो जाता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या नरेशन, ओनली 35 paisa इन अ रूपी रिकवर्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, इस तरह से नरेशन आएगा। देखो आपको समझ में आया नहीं, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, अमाउंट जो बिल का था 12,550 न्यू बिल का अमाउंट यहाँ पे कैरी हुआ 35 paisa इन रूपी यानी 35% ये अमाउंट का लिया और कैलकुलेट करने के बाद पता चला 4393 आता है जो कैश में जा रहा है और बचा हुआ अमाउंट डेफिशिएंसी है जो इनकैपेबल है हम दे नहीं सकते, सो ये कंप्लीट अमाउंट यहाँ पे जाएगा 8157। ओके और यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग ओनली 35 paisa इन रूपी रिकवर्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन एंड हो रहे हैं और यहाँ पे हमारी एंट्रीज भी एंड हो चुकी है।
तो आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई या नहीं आप मुझे जरूर बताएं। अभी आपको एक कॉपी करके लेनी है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी करो।